दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भैया सबसे सस्ता आइटम पूरे एशिया की मंडी की गारंटी है कि अगर आपको कोई 27 रुपये में जींस दे दे और 19 रुपये में लोअर दे दे तो भाई जो कहे वो हार जाए। हाँ बिल्कुल ओके जी ओके भैया। इनके पास में आपको जैसे कि बता रहे हैं 19 रुपये में लोअर, 27 रुपये के अंदर में जींस, पूरी मार्केट का चैलेंज है, 60 रुपये की रेंज के अंदर शर्ट, 65 रुपये में, और इनके पास में कई सारी चीज़ें मिल जाते हैं। और भैया मोनोपोली पे देते हैं कि भैया ये जो मिलेगा इन्हीं के पास मिलेगा। अगर आप सब लोग सोच रहे हैं कि भैया मेरे पास कम पैसे हैं और मुझे बिजनेस करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो भैया एक बार जुड़ जाओ रवि शर्मा जी से, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ओके। दूसरी बात जी, इन रेटों में जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भैया, कई लोग कहते हैं कि भैया दिखाने के लिए बोल दिया, भैया इनसे आप 1000 पीस मांगोगे 1000 पीस देंगे, सही कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल ठीक। ये वाली तो बात नहीं कि भैया दिखाने के लिए दे दे, क्यों कई सारे लोग कमेंट करते हैं। जितना चाहिए जब चाहिए उतना मिलेगा, साइज पूरे मिलेंगे। बिल्कुल 20x24, 26x28, 32x34, 36x19, 29x39। बिल्कुल दोस्तों पूरी वीडियो देख लोगे तो आपके अंदर एक बिजनेस करने का जनून आ जाएगा, क्योंकि जिनके पास मैं आपको लेकर आया हूँ भैया ये आज तक पता नहीं कितनी सारी नई दुकानें खुलवा चुके हैं। अगर आप सोचते हो कि भैया मेरे पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो एक बार आओ इनके पास, इनके साथ बैठो, बात करो और अपना व्यवसाय शुरू करो। आप इनसे अपने घर बैठे भी माल मंगा सकते हैं। और ये नहीं कहते कि भैया आपको इसी का करना है, अगर आप करना चाहते हो बिजनेस तो करो गारमेंट का, क्योंकि जो आपका सबसे फेमस डायलॉग है, आदमी भूखा तो घूम सकता है नंगा नहीं, नंगा नहीं घर से भूखा तो निकल सकता है, बिल्कुल, मगर नंगा नहीं निकल सकता कपड़े से ऊपर। हाँ कपड़े से ऊपर कोई व्यापार नहीं है। बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया आज की डेट के अंदर इंसान भूखा तो रह सकता है लेकिन नंगा नहीं रह सकता। तो दोस्तों आज की आज अपना बिजनेस स्टार्ट करो, एक बार कॉल मैसेज जरूर करो और इस वीडियो को इतना देख लिया तो भैया एक बार पूरी वीडियो देख लो, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि भाई के पास में हमेशा धमाका होता है, 27 रुपये से जींस देते हैं भैया, मार्केट का क्या पूरे एशिया का चैलेंज की इस रेट में कोई नहीं दे सकता, सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट वीडियो आपकी बनाई थी फेसबुक पे, तकरीबन 1.5 लाख प्लस लोगों ने देखा और यूट्यूब के ऊपर भी 12-13 हज़ार मेरे ख्याल से लोग अभी तक उसे देख चुके हैं, एक ही महीना हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुए और उसके ऊपर लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बरसता ही जा रहा है। तो भाई लोग पूछते हैं आप इतना सस्ता कहाँ से ले आते हो और इतने लोगों की दुकानें खुलवा देते हो कैसे? कैसे वाली बात बता दूं कि हमारा मेन मतलब है ना सिर्फ माल बेचना नहीं होता है, हमारा मेन मतलब जो होता है लोगों को व्यापार करने का तरीका बताने का। और आज इस वीडियो को पूरा देखना, हमारी कोशिश होगी आपको व्यापार करने के एक से एक नए तरीके और एक से एक वैरायटी मतलब बताया जाएगा व्यापार कैसे किया जाए और रेडीमेड गारमेंट्स का क्यों किया जाए। आपको अगर इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के अंदर आपको कहने का मतलब कि ना जो लोग व्यापार करने की सिर्फ सोचते हैं उन लोगों को व्यापार करना सिखाएंगे हम। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वैसे मैं तकरीबन भाई की वीडियो 3 साल से बना रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। और भाई आपकी सभी वीडियो के ऊपर लोग भर भर के प्यार देते हैं, कुछ वीडियोस तो मिलियंस में भी गई हुई है अपनी। हाँ हाँ अपनी ज़्यादा ही मिलियंस में ज़्यादा है। बिल्कुल। सो ये यार क्या है राज, मतलब जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, मतलब इतना कैसे, मतलब बताओ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको मेरा मैन मतलब जैसे कि है ना ये जींस इतने की आप मेरे से पैंट लो ये जींस लो ये मैंने कभी नहीं बताया। मैं आपको बताऊं जी, जिस दौर से और जहां से हम उठे हैं, हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए और ज़मीन से जो उठ के आज जो आप चल रहे हैं और धीरे धीरे ईश्वर करें और आगे चलें, वो सिर्फ आपको बता दूं अपनी सोच से ही आगे बढ़ें। तो मैं उन लोगों को जो जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी यही बताना चाहता हूं कि ध्यान रखना भाई साहब, आप है ना जो आपकी सोच पॉजिटिव होगी, मैं आपको बताऊं जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको पता बाजार भी लगाए हमने कनॉट प्लेस में। बिल्कुल भाई शुरुआत बताओ आज अपनी। मैं आपको अपनी शुरू से मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ दोबारा बता देता हूँ मैं आपको जो कुछ नए व्यूअर भी देख रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको बता दूं अपना पढ़ाई में जितना मन लगा जितनी पढ़ाई करी करी उसके बाद हम आगे सीधा व्यापार में, व्यापार में मतलब छोटी सी उम्र में हम आ गए। हमने क्या करा बाजार लगाई पटरी लगाई, बाजार पटरी हमने कनॉट प्लेस में लगाए, उसके बाद हमने कनॉट प्लेस में हमारी बाजार पटरी हट गई, फिर हमने क्या करा गांधीनगर में नौकरी भी करी, हमने सेल्समैनिंग करी, सारे काम करे, यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का काम सीखा। सीखने के बाद हमने क्या करा अपनी एक सोच रखी पॉजिटिव, वो सोच मैं आपको बता दूँ वो थोड़ा सा गांठ बांध लेना इस चीज़ का, ईमानदारी मेहनत लगन आगे बढ़ने की सोच, इस चीज़ को हमने बिल्कुल ही मतलब कि बेखूबी से निभाया और निभाने के बाद हमारे आज धीरे धीरे काम बनता चला गया और बहुत बढ़िया हमने काम करा और कर रहे हैं। जो बंदा ध्यान रखना जो नौकरी में संतुष्ट है कि भैया वो अपनी वो 12-15-20-25 की सैलरी मिल रही है मैं संतुष्ट हूँ इसमें मेरा गुजारा चल रहा है, वो ध्यान रखना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दाल रोटी ही खा सकते हैं, अच्छे दाल रोटी खा सकते हैं। कोरोना में तो नौकरियां भी चली गई भाई, अब तो लोगों ने बहुत दरअसल नौकरी से निकालने का भी कारण है ऑलरेडी उनकी सेल नहीं हो पा रही है,
व्यापार नहीं हो पा रहा है तो मजबूर स्टाफ रख के क्या करेंगे वो, अच्छे अच्छे लोग परेशान हुए कोरोना में। तो मेरा मतलब है अगर आपकी आगे व्यापार करने की सोच होगी तो आप व्यापार आगे कर पाओगे। सो दोस्तों जो आज की ये वीडियो होने वाली है ये माल बेचने के लिए नहीं है भैया, आपको सिर्फ इतना प्रेरित करने के लिए कि आप व्यापार करो। ये नहीं कहते कि आप अपने ये बच्चों के कपड़े बेचो, जींस बेचो, इसका मकसद नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ना, हमने है ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी लाइनें ट्रायल करी है, बहुत सारी लाइनें, मगर हमें जो कामयाबी मिले घूम फिर के वो गारमेंट्स में मिली। वो गारमेंट्स में क्यों कामयाबी मिली मैं आपको उसका भी कारण बता देता हूँ। हमें हमारे गुरुजी ने एक बात समझाई थी जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यान रखो, सबसे पहले अगर हमारी लाइफ में जरूरत है तो कपड़े की है, और कपड़े की जरूरत क्यों है आप एक बात तो बताओ। जब अब न्यू बॉर्न बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ बाप क्या करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर कपड़े लेके खड़े रहते हैं। डॉक्टर है ना वो नहीं मांगता सबसे पहले, पेन पेपर नहीं मांगता, सबसे पहले कहता है भाई साहब कपड़े दो, जो बच्चा है अंदर, मतलब कहने का लेबर रूम में अगर जरूरत है तो सबसे पहले कपड़े की है, और अंत समय तक लोगों को कपड़े की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अब आदमी कन्फ्यूज होते हैं कि गारमेंट्स में क्या आइटम बेची जाए, गारमेंट्स में तो बहुत सारी आइटम है रेडीमेड गारमेंट्स में। अब मैं आपको बता दूं, बच्चे से ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स में कोई आइटम नहीं है। बिल्कुल, वो भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। और सबसे ज्यादा बिकने वाला काम जो रेडीमेड गारमेंट्स का वो है बच्चे का। बिल्कुल, उसका भी कारण है वो एक आपको फेमस डायलॉग है भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो भी बता दो। लोग काफी कमेंट में भी लिखते हैं कि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन नंगा नहीं रह सकता, वो एक बार अपने भाषा में बताओ यार। देखो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मेरा डायलॉग है कि ना आदमी है ना भूखा तो रह सकता है मगर नंगा नहीं रह सकता। क्योंकि एक बता दो कि भूखा तो आदमी क्या है घर से बाहर घूम लेगा मगर बिगर कपड़े के नहीं घूम सकता भैया, लोग मारेंगे वो अलग है। तो कुल मिला के बता दो, कपड़ा हमारी लाइफ में कपड़ा बहुत महत्व होता है, और बहुत ज्यादा आपको बता दो लोग है ना अपने में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बच्चे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही। कोई भी शादी ब्याह होली दिवाली तीज त्योहार किसी भी धर्म का कुछ भी होता है, फैमिली वाले लोग जो होते हैं वो अपनी ड्रेस रेडी सबसे पहले अपने बच्चों की करते हैं। अब आ जाओ काम करने का तरीका, जो लोग हमसे कहते हैं कि भैया काम करा जाए तो कैसा करा जाए, ना हमारे पे दुकान है, ना हमारे पे शोरूम है, ना हमारे पे पैसे हैं। ये भी बता दूं, लोग कहते हैं हमारे पैसे नहीं भैया, नौकरी में जितने करते हैं और इतने हमारे घर में लग जाते हैं, घर गृहस्थी में लग जाते हैं। बहुत बढ़िया सोच है, बिल्कुल सोचो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड पैसों से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपको मतलब कि क्या 2-4-5-10 लाख रुपए लाने हैं। ये अगर आप फेरी लगाना चाहते हो तो 10-12 हज़ार रुपये से 10 से स्टार्ट कम कर सकते हो। अगर आप पटरी लगाना चाहते हो तो 15-20 हज़ार से काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ना मार्केट के अंदर मेन मार्केट में स्टॉल लगाना चाहता हूँ तो 30-40 हज़ार रुपये से। दुकान खोलना चाहते हैं देहात कस्बे में तो आप 50,000-70,000-80,000 से काम स्टार्ट कर सकते हो। शहर में दुकान खोलनी तो 1-1.5 लाख रुपये से, शहर में शोरूम खोलना तो 2-4-5 लाख रुपये से। ऐसा नहीं है, आपको एक बता दो क्या ना बहुत थोड़े से पैसों से आप कर सकते हैं। हमने भी बहुत थोड़े पैसों से स्टार्ट किया था और आज करते करते भैया आपकी सोच अच्छी होगी, अच्छा करने की कमा रहे हैं। देखो ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो कहीं से कहीं तक आपको तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ है ऊपर वाले के आशीर्वाद। अच्छा एक चीज और कि मतलब लोगों के पास में यार शुरुआत में देखता हूँ कोई 200 कोई 150 कोई 100, आपके पास में आपने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं भाई, कितने रुपए से? हमारे सिर्फ 27 रुपए से पैंट स्टार्ट है, वो मैं आपको एक बार सैंपलिंग दिखा करवाता हूँ, बात भी करते रहेंगे। लोग कहते हैं यार चोरी का कपड़ा तो नहीं है, पुराना तो नहीं देते, बेकार माल तो नहीं बेच रहे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो हमारा 2700 रुपए का है ना, ये देखिए पहले बैक पे भी देखिए, मैं ये 2700 रुपए का क्यों है ये भी कारण बताऊंगा आपको। ये जो पीस है ना, जो इसमें कपड़ा डोला हुआ है, ये जो कपड़ा है ना कम से कम जो मेरा अंदाज है 150 रुपए मीटर का होगा, मगर ये कपड़ा हम फ्रेश में बना के तो इसे हम 150 रुपए का भी आपको नहीं दे सकते, मैं आपको क्लियर बताऊं। बिल्कुल, क्योंकि भैया पीस महंगा लगता है देखने में। हाँ हाँ, ये कपड़ा भी हैवी है, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ भी बड़े की पैंटें जो होती है ना, बेड़े की पैंटें सिलती हैं तो वहाँ कट पीस में हम कपड़े खरीदते हैं। ये बिल्कुल, ये टुकड़े में अपने यहाँ सिर्फ कटिंग होती है, गांव देहातों में दर्जनों के हिसाब से हम पीस सिलवाते हैं इसे, जब ये जाके सस्ता बैठता है। और रेट इसका 2700 रुपये, हम मार्केट को चैलेंज करते हैं, हमसे सस्ता है कोई नहीं देता है, हमारी अपनी मोनोपोली है ये। क्या बात, रेट 2700 रुपये 20x24, 3700 रुपये 26x28 30, 32x34 36 47 रुपये। तो ये हमारी जो रेंज है ये हमारी मोनोपोली आपके सामने है। 2700 रुपए में आसपास भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई है। नहीं है भैया, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आप जहां हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे शहर हैं कि है ना आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुल मिला के लोगों ने ऐसे गाँव है कि जहाँ 500 का नोट भी नहीं देखा होगा। अगर वहां भी रेडीमेड में अगर आप सिलवाओगे ना तो 100 रुपये से, समझ रहे हैं, 100 रुपये से कम कहीं सिलाई नहीं होगी। और मैं आपको जो स्टार्ट कर रहा हूँ 2700 से कर रहा हूँ, मैं और भी आइटम दिखा देता हूँ। अब जैसे 2700 रुपये में खाली जेब नहीं आएगी इसकी मेरे ख्याल से।
कुछ नहीं आता भैया। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो आइटम है स्टार्टिंग 100 रुपए के अंदर का माल तो दिखा रहा हूँ, ये बाजार पटरी फुटपाथ पे बिकता है या फिर जिनकी दुकान लेबर क्लास एरिया में है, ये सिर्फ कस्टमर रोकने के काम आती है। आप समझ रहे हैं, आप इससे 2 पैसे कमा सकते हैं। दुकान पे बिकने का माल नहीं होता, ये बाजार पटरी फुटपाथ पे फिर ही लगा सकते हैं, वहाँ यूज होता है। ये पीस आपके सामने है, रिंग डायनम के ऊपर है और रेट है इसका 70 रुपये। इसका बैठेगा 20 से 30 साइज, 2-3 साल से लेकर 6-7 साल के बच्चे का, और रेट बैठेगा 70 रुपये। इसका 32-40 जो बैठेगा आपका 90 रुपये बैठेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इनके पास में हर एक तरीके का मिलेगा, बच्चों का पटरी से लेकर, जैसे कि बता दिया आप शोरूम पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सब भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे भाई कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, कोई कहता नहीं भैया मेरे को बच्चों के कपड़े का नहीं करना, किसी और कपड़े का करना है, वो भी बताते रहे हमारे व्यूअर्स को। देखो क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसलिए कि लोग अपना रोजगार कुछ ना कुछ शुरू करें आज की डेट में। ये जो पीस है आपके सामने देखिए, ये कॉटन वैरायटी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ना डेनिम नहीं पहनाना चाहते हैं, और है ना वो आप समझ रहे हैं कॉटन पहनाना पसंद करते हैं गर्मियों में, ये उनके लिए है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात पूछी थी कि बच्चे के काम के लिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो काम है हमारा रेडीमेड का, मैं बच्चों के लिए काम के लिए भी बात करूँगा, वैसे रेडीमेड के काम के लिए कहूँगा कि बहुत लोग परेशान, आपको ये बता दूँ हिंदुस्तान में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर पैसा है, पैसा तो है मगर वो सोचते हैं हमारे को कौन सी लैंड मिलनी चाहिए और क्यों मिल, मतलब कि कुल मिला के वो लैंड ढूंढ रहे होते हैं, पैसे की कमी नहीं है, व्यापार क्या करें और ज़्यादातर लॉस में ही जा रहा है। आप जैसा कि 2-3 बार तो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, और ये आपको पता दुनिया भर के ये जो कोरोना ने लोगों को बर्बाद कर दिया है और बहुत सारों की नौकरी छूट गई है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेझिझक होकर आप अगर किसी कस्बे में रहते हैं या किसी गाँव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आए दिल्ली में, और आप चाहे तो ऑनलाइन भी माल ले सकते हैं। आप मेरे पे ऑनलाइन पे यूट्यूब पे मेरा जो नंबर चल रहा है उस पर हाई हेलो लेके भेजेंगे तो आप पे ऑटोमेटिकली आप पे लिंक चला जाएगा, जो रेटों की टोटली डिटेल आ जाएगी। आप थोड़ा बहुत माल सैंपल के तौर पे ऑनलाइन माल मंगा सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ किस तरीके का। अगर आप बाजार पटरी लगाते हैं तो अपने थैले के अंदर डाला, आपको सबसे बढ़िया बता दूँ आपने अपने काम में शर्म बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी। अगर आप काम में शर्म करेंगे तो रियलिटी तो बता दूँ, बहुत लोग होते हैं कि शर्म करनी है, पैसा लिमिटेड है और पैसा लिमिटेड के साथ और साथ में शर्म भी कर रहे हैं, तो भैया आप कामयाब भी नहीं हो पाओगे। आप लिमिटेड पैसा अगर है तो आप थोड़ा सा माल मंगा के जगह जगह पे फेरी लगा सकते हैं और फेरी पे माल बेच सकते हैं। वो एक डायलॉग भी है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, ये डायलॉग बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरी बात एक डायलॉग और बताता हूँ इसके ऊपर, छोटी सोच और पैर की मोच, पैर की मोच वो जो आलसियों के लिए, और जो कहने का मतलब शर्म के लिए जो शर्म करते हैं काम, छोटी सोच उनके लिए जो छोटी सोच सोचते हैं कि यार मेरे को लोग टोकेंगे यार तू फेरी लगा रहा, भाई तुम अपना काम कर रहे हो, आप समझ रहे हो, किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो आप। यार नॉर्मली बात है यार, 10-20 पीस बेच लोगे 50 रुपये से क्या मार्जिन हुआ, हिसाब लगा लो भाई साहब। अगर आप अपने एवरेज अगर हिसाब जोड़ोगे तो सरकारी नौकरी से अच्छा पैसा कमा सकते हो आप, और आज कम है ना तो ज़्यादा भी आप ही कमाओगे, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैं और आगे भी दिखाते रहता हूँ और आगे भी बात करते रहेंगे आपसे काम को लेते हुए। आगे की तरफ चलते हैं तो, हाँ आगे की तरफ दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी तक जो मैं आपको माल दिखा रहा हूँ अभी मैंने दिखाया टोटल बाजार पटरी फुटपाथ का, ठीक है। और मैं आपको जो आइटम है, जैसे अब ये आइटम है ये 105 रुपये की है, ये आपके सामने है। अगर 105 रुपये में फुल कढ़ाई वाला वर्क दे रहे हो आप, इसमें डिजाइनिंग और भी देखिए, लोग शुरुआत ही 105 से करते हैं, उनके पास जींस की ऐसा भी कुछ करते हैं कई लोग। हम तो देखो लोग अपनी अपनी वैरायटी है, जो मैंने आपको ये सस्ती रेंज दिखाई है लोग इसी को 10-10, 20-20 रुपये करके मार्केट में आपको मिलेगी, कम से कम 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये। कारण वो जो है ना वो है ट्रेडर, वो इधर उधर फैक्ट्री से उठा लेंगे और आप लोगों के यहाँ माल देंगे। अपना पता क्या, टोटल अपने अंदर इन हाउस काम है, मैं आपको बता दूँ टोटल अपने अंदर बनता है, इसलिए हम आपको ये रेट सस्ता करके दे रहे हैं, ठीक है। पीस आपके सामने 105 रुपये। वैरायटी दोस्तों हर तरीके की आपको मिलेगी, अभी ये धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये पीस आपके सामने है और रेट है आपका 115 रुपये। ये मैं आपको पीस निकाह करवाता हूँ, ये कार्गो पैटर्न है और कपड़ा काफ़ी हैवी लगा हुआ है। पीस आपके सामने, इसमें हमने चैन भी लगाई हुई है, ठीक है, और रेट है 115 रुपये। मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको ये वाला पीस अगर आप वैसे भी लेके आएंगे ना, ये वाला, ये अगर आप अच्छी दुकानों पर लेने जाते हैं तो ये आपको कम से कम 250 रुपये से कम का पीस नहीं मिलेगा, और जायज भी बनता है इतना मार्जिन जो है। अगर दुकान पे रख के अगर इससे भी कम मार्जिन ले तो फिर कैसे चलेगा, मेरा मतलब यह है आप आराम से वो कर सकते हैं। बेटा हटा देना, आगे चलते हैं भैया, आगे दिखाएं दो आइटम, बहुत बेहतरीन बेहतरीन है दोस्तों इनके ये पीस में? आपके सामने है 125 रुपये। ओके, फुल फंकी एकदम, ये है
ये डिजाइनिंग वैरायटी सारी अपनी है भैया? मैं आपको बता, वो डिजाइनिंग अपनी है टोटल, और कहीं से कहीं तक वैरायटी आप कहेंगे ना इसमें 125 रुपए वाले में काफ़ी डिजाइन चाहिए तो मैं आपको काफ़ी डिजाइन दे दूंगा। ये आइटम ऐसी है, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के सारे जो बड़े होलसेलर हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अपना माल नहीं जाता है, ज़्यादातर इसी की पेटियाँ लगवाते हैं, सबसे ज़्यादा यही माल उनके पास बिकता है। उनके पास जो अगर क्लाइंट इस दुकान की है तो ये माल लेके जाते हैं, अगर बाजार पटरी के तो वो सस्ते वाला माल लेके जाते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही, ये दुकान पे आप आराम से 250-300 रुपए का पीस बेच सकते हैं। मैं आपको बता दूं 250-300 रुपए की बिक्री का माल वैसे है। काफी अच्छा मार्जिन रहता है बच्चों के कपड़ों में, मार्जिन होता भी है और मार्जिन के साथ साथ आपको बता दूं क्वांटिटी में भी बिकता है। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा होता है ना, जैसे हम सर्दियों से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, हर 6 महीने तो बच्चा बड़ा हो जाता है। मैं आपको बताऊं मजबूरी होती है हमारी बच्चों की ड्रेस ज़्यादा लेने की, और दूसरी बात इस ज़्यादा के साथ साथ है ना, आपको बता दूं कि आपको एक बात बताओ, एक सेकेंड ये आपको पीस दिखा दूँ, एक ये पीस है आपके सामने 135 रुपये। ओके, और 135 रुपये बाकायदा हमारे रेट भी मेंशन होते हैं, हमारे यहाँ आप आओ किसी बड़े बच्चों को भेजोगे तो रेट हमारे बहुत रीजनेबल होते हैं, रेट सब पे मेंशन होते हैं, रेट है 135 रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बता रहे थे बच्चों के बारे में, बता रहे थे कि ये बच्चा हर 6 महीने बड़ा जाता है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ बच्चे का माल बिकने का कारण जो बताया कि हर 6 महीने में जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसी के लिए आपको बता दूं, आप कभी भी आप अपने बच्चे के लिए कभी भी लेने जाओगे तो एक पैंट एक शर्ट नहीं लोगे। आप अपने लिए सोचो, कम से कम कभी भी सीजन चेंज होता है एक काम करे यार, वो तीन चार जोड़े बना दे, तीन चार पैंटें दे दे, तीन चार शर्ट दे दे, या तीन चार टी शर्ट दे दे, तीन चार लोअर दे दे। क्यों, अब ऐसा थोड़ा ना सीजन चेंज हुआ, बच्चे भी बड़े हो गए तो लेना ही लेना पड़ेगा, 2 से 3 जोड़ी लेना ही पड़ेगा। एक चीज होता है, जब छोटे थे हम बचपन में तो मम्मी हमेशा बड़ा साइज लेती थी, एक है आता 32 था तो लेते 32 थे। मैं उसके लिए बताता हूँ, पहले के और आज में बहुत चेंज आ गया है। पहले के घर में जो होते बच्चे थे 5-5, 6-6 होते थे, एक ही थान लेते थे और सबका पीस सिलवा लिया करते थे, सबकी एक जैसी शर्ट हो गई, सबकी एक जैसी पैंट हो गई या कुर्ते पजामे हो गए, पहले ये हुआ करता था। अब आ जाओ कि रेडीमेड की, पहले रेडीमेड पे चाहे आप पैंट शर्ट क्या की कोशिश करते थे कि यार अगले साल पहनना थोड़ा सा बड़ा दे दो, आज ऐसा नहीं करते। आज तो सीधी सी बातें होती है कि भैया हाथ के हाथी पहनो, जो बच्चा फिटिंग का मतलब फिटिंग का चाहते हैं आज के लोग जो है। ये पीस आपके सामने है, अलग अलग रेट की आइटम है, 155, 165, 175, 185, इस टाइप में मैं आपको काफ़ी वैरायटी और एक से एक हटो बच्चों आइटमें आपको दे दूंगा, बहुत रीजनेबल रेटों पर। एक आपको अंदाजा भी हो रहा होगा मेरे यहाँ, आपको बता दूं अगर मैं सारा वीडियो में दिखाऊँ तो वीडियो पूरी क्या बताऊँ तो कम से कम 1.5 घंटे से भी ऊपर टाप जाएगा, जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। तो ये मान के चलो मैं आपको फिर भी नज़ारे दिखा देता हूँ, सर 1-2 घंटे की तो नहीं, नहीं अगर मैं वैसे ही दिखाता हूँ ऐसे ये दिखा दे उसमें आपको घंटे लग जाएंगे दिखाने में, मेरा सारा स्टाफ लगेगा, उसके बाद भी हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे। ये पीस देखिए, वैरायटी सैंपल इतने सारे हैं ये, हाँ ये निटेड के ऊपर है, देखिए कितना खूबसूरत पीस बना हुआ है। ये पीस देखिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए पीस, प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसकी 155, 165, 175, 195। ये देखिए जैसे कि 165 रुपए का पीस है, ठीक है, और ऐसे यही है 155 रुपए का पीस है, रेट हमारे सब पे मेंशन है 195 रुपए, 165 रुपए, बड़ा है सबके लिए सेम रेट है। हाँ, ऐसा नहीं किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात एक चीज और बता दूं आपको कि हमारे जैसे ही आपने पैंटे देखी हमारे पास शर्ट भी मिलेंगी, आप समझ रहे हैं, शर्टों की भी एक से एक वैरायटी मिलेगी, और पैंटों से आपको अंदाजा हो रहा होगा। ये देखिए इस टाइप की भी बहुत खूबसूरत है, डमी कॉटन निटेड के ऊपर आई है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, पीस देखिए, प्राइस रेंज की बात करी जाए तो इसकी वही मैंने आपको बताया 165, 175, 185, 175 रुपये का पीस है बीच वाला, तो ऐसे हमारे रेट सब पे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब कुछ शर्ट से दिखा लेते हैं, क्योंकि हमने जींस तो आपकी बहुत सारी दिखा चुके हैं, कुछ शर्टें दिखा लेते हैं। जी हटा ले बेटा। अच्छा दोस्तों, सैंपल वैरायटी भाई दिखाना चाहे तो मेरे ख्याल से कल तक लगा सकते हैं। 145 रुपये पीस देखिए, 145 रुपये, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने अभी जींस दिखाई, अपने बाद में पीछे देख पा रहा हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर शर्टें भी लगी हुई है, शर्टों की रेंज कुछ दिखा दो। शर्टें मेरे यहाँ हटो बचो होती है, बहुत रीजनेबल रेटों पर रेट होता है, सिर्फ 65 रुपए से मेरे यहाँ रेट स्टार्ट है। शर्ट का 100% कॉटन है, इसमें काफी सारी वैरायटी दे दूंगा, और रेट होगा सिर्फ 65, 20x24, 26x28, 32x36, 65, 75, 85 पीस आपके सामने। आप एक बात बता दो, जैसे आप फेरी लगाते हैं ना, तो फेरी के अंदर जो बंदा आपसे पैंट लेगा वो आपसे शर्ट भी लेगा। और आपको बता दूं शर्ट, पहले मैं आपको शर्ट दिखा रहा हूं, वैसे मेरे पास बच्चों की शर्ट, जींस, टी शर्ट एंड लोअर, मेरे पे बच्चे की शर्ट, जींस, टी शर्ट, लोअर सब होता है। किड्स वेयर की आपको टोटल आइटम देने की कोशिश करूंगा, पूरी आइटम है मेरे पे। बाकी मैं आपको शर्ट बता रहा हूँ, ये जो आइटम है आपके सामने है, ये 85 रुपए का पीस है, इसका 26, 28, 30, 32, 34, 36 है इसका 95 रुपए। ठीक है,
अच्छा, और मेरे यहाँ शर्ट जो हटो बचो, कहने का मतलब एक से एक फंकी पीस, आपको एक अंदाजा हो रहा होगा इस टाइप का माल। ये पीस देखिए, फुली डिजाइनर पीस है। हाँ हाँ, फुली डिजाइनर पीस है, और कलर कॉम्बिनेशन इतने एक से एक बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, आप ये देखें ना कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल। प्राइस रेंज इसका, रेट भी अलग अलग है, मैंने आपको क्या कहा 65 रुपये से लेके और 225 रुपये के अंदर मेरे पे कम से कम 250 से 300 वैरायटी में आपको दे दूंगा, जो पूरी मार्केट के अंदर इस टाइप की बॉम्बे पैकिंग के अंदर आपको कोई नहीं देगा। ये पीस आपके सामने, ठीक है, कार्गो पैटर्न। एक ये देखिए, ये भी पीस देखिए कितना खूबसूरत पीस है, ठीक है, बढ़िया, फुली एकदम क्लासिक क्लासिक डिजाइन। अरे सर, एक नंबर का माल है, आपको बता दूं मेरे जो पीस होते हैं फुल फोल्डिंग, ये देखिए जी फुल फोल्डिंग के पीस होते हैं, आप ये नीचे से भी चेक कर सकते हैं, सिविल चाक पट्टी टू पीस कॉलर, सिविल चाक पट्टी टू पीस कॉलर के अपने पीस होते हैं। ये देखिए, ये आजकल है ना कुर्ता कॉलर, अभी आपको बता दूं, ये देखिए है पीस बिल्कुल जी, बुलबुल का बच्चा, इतना खूबसूरत पीस है, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप है ना, अगर इसे डमी आपके ऊपर निगाह करवा दो, कोई भी एक डमी उठाओ बेटा, आप है ना डमी पे पीस ये चढ़ा के बेचेंगे ना, चलते हुए के कदम रुक जाएं आपकी दुकान पे। ये पीस आपके सामने, ये देखो जी, जैसे अब ये जो पीस है, ये पीस देखिए कट पॉकेट के अंदर कितना खूबसूरत पीस है और बहुत फाइन क्वालिटी है। ये जो है ना, आपने क्या करना है, आप नई दुकान खोल रहे हैं, गिनती की 10 एक डमी ये लेके जाएं, 10 एक डमी ये लेके जाएं, मेन रोड पे 10 ही दुकानें किसी से भी लो, या आपके वहाँ मिलती है वहाँ से लो। आप हमारे कोई भी पीस, आप समझ रहे हैं, हमारा जो सस्ता पीस है 2700 रुपये से लेके, मेरे को आपको बता दूँ 150-200-250-300 रुपये तक की मेरे पे रेंज है, आप उस हिसाब से चढ़ा सकते हैं दुकान पे। सस्ते पीस अगर डमियों पर चढ़ा के बेचेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मार्जिन धर्म से डबल कर लोगे, आप 3 गुना कर लोगे। डमी पे पीस खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए जी, आपको शर्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यह है हुड वाली, टोपे वाली शर्ट है। हाँ जी, हाँ जी, ये हुड वाले पीस है, ये देखिए पीस कितने खूबसूरत बने हुए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया जी, वैरायटी मतलब बहुत सारी है अपने पास में। नहीं नहीं, शर्टों की तो भरमार है जी अपने पास, शर्ट की भी और जींस की, बच्चों की, किड्स वेयर की। अगर वैरायटी के लिए अगर आप शिवान गारमेंट्स हमारी दुकान पे आते हैं जी जी, तो आपको एक से एक हटो बचो आइटम दे देंगे। ये चेक है ना, लोग ढूंढते हैं, ये पीस देखिए ना कितना खूबसूरत चेक है, बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन देखिए है पीस। तो उसके लिए देखो लाइट में, ये समर का है, बहुत बढ़िया, ये लोग मांगते हैं समर में, कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन बहुत सारे अपने पास में है। अरे डिजाइनों की मैंने कहा है ना, आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे दिखाते दिखाते। ये देखिए जी, इस टाइप के पीस, ये चेक में डिजाइनर मांगते हैं टीच बटन में। ये देखिए मैक्सिमम कितने रुपए तक जाती है अपने पास सर? 60-60 रुपये से स्टार्ट होकर के 65 रुपये से शर्ट की स्टार्टिंग है, और 225 के अंदर अंदर, 225 के अंदर अंदर मैं आपको दूंगा टीच बटन के ऊपर है। ये पीस देखिए 225 के अंदर अंदर कम से कम 200 डिजाइन दे दोगे? दे दूंगा, वैरायटी बहुत है आपको बता दूं। हमारा अच्छी दुकानों में, और अच्छी दुकानों में मतलब मान के चलो, मेरा इन आइटमों के लोग धर्म से डबल करते हैं जी, डबल। ये पीस देखिए हाईलाइट के साथ है, और पीस देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है ये भी। अगर आप है ना अपनी, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं ना, तो रेडीमेड गारमेंट्स में एक चांस लो, और चांस लेके देखो, आपको 100% कामयाबी मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तरीका मेरा होगा, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, तरीका मेरा होगा, पैसा आपका होगा, मेहनत आपकी होगी। मैं तो सिर्फ आपको बता दूँ 5% का, सिर्फ 5% का अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शोल्ड आपको सामने शेयर कर सकता हूँ, मगर मेहनत आपकी होगी। और आपको बता दूँ, अगर आप कम पैसों से स्टार्ट करोगे तो तरीका पता जाएगा, अच्छे पैसों से करेंगे, मीडियम पैसों से, वो भी तरीका आपको मैं ही बताऊँगा, और आपको ऑलरेडी बता भी रहा हूँ। और जैसे हम कामयाब हैं, हम चाहते हैं ईश्वर करे सब कामयाब हो, मगर उसके हिसाब से ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी ना शर्म खोनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं ना शर्म बिल्कुल नहीं करनी, अपना काम अपना होता है, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। अगर व्यापार में अगर थोड़ी सी भी आप शर्म करेंगे तो भैया मैं आपको बताऊँ, कामयाब तो हो ही नहीं सकते आप। फिर आप शर्म करते तो सिर्फ एक नौकरी में संतुष्ट रहो और अपना करते रहो। और दूसरी बात, एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों पर है ना, जो लोग चाहते हैं, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हम नौकरी भी कर रहे हैं, और जो हम नौकरी छोड़, अगर नौकरी छोड़ के व्यापार करते हैं, कामयाब नहीं हुए तो बीवी बच्चों को रोटी कैसे खिलाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, 90% लोगों की यही समस्या होती है कि भैया हमारे खर्चे बंधे पड़े हैं, दाल रोटी की पूरी, हमारे जो जो हम कमा के लाते हैं, जो नौकरी के पैसे लाते हैं, उससे बच्चों की दाल रोटी करते हैं। अगर हम ये काम करते हैं, लोगों से कर्जा लेके या पैसे लेके किसी से अगर हम ये काम करते हैं, कामयाब नहीं हुए तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको उसके लिए बताना चाहता हूँ। सुनो, बहुत ज़रूरी नहीं है, आप साइड में काम कर सकते हो, आपको पता नौकरी में एक छुट्टी होती है, आप एक छुट्टी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो,
दूसरी बात एक टाइमिंग होती है जॉब की, उस टाइमिंग के एक्स्ट्रा भी वैसे भी काम कर सकते हो, आगे पीछे भी काम कर सकते हो। तो आपको जैसे जैसे आपको वहाँ उसमें कामयाबी मिले, जब नौकरी छोड़ना, किसी के कहने से वैसे नौकरी मत छोड़ना। नौकरी आपको बताऊँ छोड़ने का जब भी फायदा होता है, जो हमारे पास बैकअप होता है। बैकअप का मतलब है अगर हम नौकरी छोड़ रहे हैं तो हमारे पीछे हमारे बड़े बैठे हुए हैं या हमारे भाई बैठे हुए हैं, या तो भी आप नौकरी छोड़ना। मैं किसी की नौकरी ऐसे नहीं छोड़वाता। अगर आपको कामयाबी करने के लिए आपने क्या करना, तो खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डायलॉग भी तो बता दो कि खुद मरने पे स्वर्ग मिलता है, वो कौन सा वाला प्लीज़ भैया। देखो रियलिटी तो हकीकत है कि किसी को दूसरे को मारने से ना स्वर्ग उसे ही मिलेगा, स्वर्ग और नरक जो भी है, खुद मरने से ही पता लगेगा स्वर्ग और नरक। कहने का मतलब अगर हम करेंगे ना तो उसका फल हमें ही मिलेगा, हार और जीत हमें ही पता चलेगी और हम करेंगे। आप समझ रहे हैं, अगर हम किसी और को करवाएंगे ना तो हार जीत तो उसकी होगी भैया, क्या हारा और क्या जीता है। रियलिटी तो यही बात है। ये बेटा फिश कर देखो, ये देखिए शर्टों का डिजाइन अनलिमिटेड है भैया, खत्म नहीं हो रहा, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो। और अभी हम आपको सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, अगर सबके ऊपर एक एक की बात करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, सुनो अभी पता है क्या आ रहा है, अभी आ रही है सबसे पहले ईद, आपको बता दूं ईद आ रही है, साए आ रहे हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके तीज त्यौहार आ रहे हैं। तो ये जो आइटम है ना, अपने आप यकीन नहीं, मैंने बच्चों की ड्रेस सबको रेडी करनी है। अगर आप इसमें ना गोल्डन टाइम पीरियड है इस टाइम काम स्टार्ट करने का। और आपको बता दूं कोरोना वोना तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो गया, जो शोर शराबे थे सब खत्म हो गए हैं, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें और दोबारा स्टैंड हो जाएं काम में। और काम करोगे तो भैया तो आगे कुछ हो पाएगा, और नहीं तो हमने तो ये सुना है कि लाखों करोड़ों रुपये घर में होने के बाद। सेम डिजाइन ना, दूसरा दिखाओ। हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ, प्रिंट अलग है, मैं आपको बता दूँ प्रिंट अलग है। ठीक, मैं आपको और दिखा देता हूँ। हमने तो ये सुना है कि ना घर बैठे ना कुएं भी खाली हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, घर बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, सच्ची बात है। ये पीस देखिए, कुर्ता कॉलर में है, पीस आपके सामने है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आइटम बहुत सारे दोस्तों, सारे आइटम कवर नहीं हो सकते भैया। अब इन दी लास्ट हमारे व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, जैसे आपने बताया प्रेरित करा, तो मिनिमम कितने रुपए लगा करके अपना काम स्टार्ट करें, जो नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो लोग। मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया, फिर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, फेरी लगाना चाहते हो, तो आप 10,000 से काम स्टार्ट कर सकते हो। वीकली बाजार लगाना चाहते हो तो 15-20,000 से काम स्टार्ट कर सकते हो। आप है ना थोड़ा बहुत लिमिटेड पैसों से काम स्टार्ट करें। किसी भी चीज़ की सलाह लेनी है, ऐसा नहीं है काम स्टार्ट चाहे बाद में कर लेना, आप आगे 10-15 मिनट बात कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा, कुछ भी चीज़ की सलाह ले सकते हैं। और दूसरी बात, हमें सिर्फ अपना माल बेचने का स्वार्थ नहीं, हम कोई कस्टमर आता हम पूछते हैं गाँव से आए हो, शहर से आए हो, कस्बे से आए हो, कैसे माल बेचना है, कहाँ बेचना है। और तो अच्छा, कुछ बंदे माइंड मेकअप करके आते हैं हमें ये बेचना है, फिर उन्हें सलाह देते हैं ये नहीं ये बेचो इसमें आपका काम ज़्यादा होगा। तो हमारा मेन मतलब आपको अपना माल बेचने का नहीं होता है, हमारे से माल लेने से पहले आप पूरी मार्केट ट्रायल करके आएँ, या मेरे पे 10 मिनट टाइम दें, मेरा माल देखें, फिर पूरी मार्केट घूमो, आपको लगता है मेरा माल सस्ता है, आपको कुछ बात समझ आती है, जब आप मेरे से माल ले सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इन दी लास्ट कुछ भी हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट करना चाहते हो तो कह सकते हो, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को विराम करते हैं। कुछ सैंपल दिखा दो जो आपके लास्ट बेहतरीन पीस बचे हैं। बेहतरीन तो बहुत पीस हैं, और मैं सिर्फ अपने अच्छा, जो कल हो जाएगा दिखाते बेहतरीन मैं आपको बता देता हूँ। सुनो मैं अपने जो नए व्यूवरों ने सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भैया, दोबारा फिर वही बताना चाहता हूँ, शरीर का आलस और कच्चा लालच, जो कच्चा लालच करते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं, जो शरीर का आलस करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ छोड़ें, तो आप इस छोड़ के चलोगे तो कुछ कामयाब हो जाओगे। दूसरा, छोटी सोच और पैर की मोच, छोटी सोच वाले भी ध्यान रखना कुछ नहीं कर पाते हैं कुछ भी। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो और आगे बढ़ने की रखो, तो कामयाब 100% हो गए। बहुत बढ़िया, यही कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम। राम।